लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में बिहार की 5 सीटों पर मतदान हुआ। उजियारपुर उनमें से एक है। यहां दो बार के मौजूदा सांसद नित्यानंद राय और पूर्व मंत्री आलोक कुमार मेहता के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा देखी जा रही है। आलोक प्रमुख कुशवाहा नेताओं में से एक है। आलोक के मैदान में उतरने से नीतीश कुमार के कोर सपोर्टर्स माने जाने वाले कुशवाहा वोटर्स के उजियारपुर सीट पर बैठने की आशंका है। कुर्मी और कोयरी यानी कि कुशवाहा समुदायों को बिहार में लव कुश कहा जाता है। 1990 के दशक से नीतीश ने आरजेडी के मुस्लिम यादव MY वोट बैंक का मुकाबला करने के लिए इस निर्वाचन क्षेत्र पर काफी ध्यान दिया है। पिछले साल के जाति सर्वेक्षण के मुताबिक बिहार की आबादी का 4.21% इसमें शामिल है। लगभग 2,75,000 कुशवाहा मतदाताओं के साथ उजियारपुर कुशवाहा OBC की सबसे अधिक आबादी वाले निर्वाचन क्षेत्रों में से एक है। बिहार की 44 लोकसभा सीटों में से 15 पर 1.5 से 3 लाख के बीच कुशवाहा मतदाता है जो उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला कर सकते हैं। ये सीटें हैं उजियारपुर, समस्तीपुर, काराकाट, औरंगाबाद, नवादा, नालंदा, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, खगड़िया, वाल्मीकि नगर, आरा, सीतामढ़ी, पूर्णिया, जमुई और पटना साहिब। कुर्मी वोट लगभग 3%, काफी हद तक राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी NDA के पक्ष में दिखता है। वे कुशवाहा वोटों में विभाजन दिखाई दे रहा है, जिनमें से कुछ RJD के नेतृत्व वाले महागठबंधन की ओर बढ़ रहे हैं। एक तरफ जहां विपक्ष ने 6 कुशवाहा उम्मीदवारों को मैदान में उतारकर JDU पर बढ़त बना ली है। नवादा में श्रवण कुशवाहा, औरंगाबाद में अभय कुशवाहा और उजियारपुर में आलोक कुमार मेहता RJD से चुनावी मैदान में है। वही पटना साहिब में कांग्रेस के अंशुल अभिजीत, काराकाट में CPI ML के राजा राम सिंह, CPIM के खगड़िया उम्मीदवार संजय कुमार और पूर्वी चंपारण में विकासशील इंसान पार्टी VIP के उम्मीदवार राजेश कुशवाहा, ये सभी भी कुशवाहा वोटर्स का विभाजन करेंगे। वही दूसरी ओर JDU ने केवल 2 कुशवाहा पूर्णिया से संतोष कुमार और वाल्मीकि नगर में सुनील कुमार को मैदान में उतारा है और BJP ने किसी भी कुशवाहा कैंडिडेट को मैदान में नहीं उतारा है। एक तरफ जहां नीतीश कुमार के बार बार सत्ता बदलने के कारण उनका कद प्रभावित हो रहा है, वहीं दूसरी ओर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के उपेंद्र कुशवाहा खुद को पूरे बिहार के कुशवाहा नेता के रूप में स्थापित करने में विफल रहे हैं। स्थानीय कारकों और महागठबंधन के उम्मीदवारों ने भी JDU और NDA की परेशानी अब बढ़ा दी है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।